देखते कल हमने देखा था आइसोहेड्रिक सॉल्यूशंस के बारे में। आइसोहेड्रिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है और वो कॉमन आयन इफेक्ट दिखाते नहीं है, दैट इज अल्फा वन एच वन इज इक्वल टू अल्फा टू एच टू। उसके बाद हमने देखा था सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कोई भी साल्ट है ए एक्स डी वाई तो उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहता है के एस की, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ये, उसे एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई एस रेस टू एक्स प्लस वाई हम लिखते हैं। यहां तक हमारा हुआ है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो फाइंड द केएसपी ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड, ये पूछा है हमको कैल्शियम सबको आवाज आ रही है क्या? आवाज सबको आ रही है क्या? ओके चलो फिर कैल्शियम ब्रोमाइड का हमको केएसपी निकालना है। क्या दिया है? अगर उसकी सोल्युबिलिटी दी है हमको, सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड इज 0.2 मोल पर लीटर। हमने देखा है कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई सोल्युबिलिटी रेस टू एक्स प्लस वाई। तो कैल्शियम ब्रोमाइड के लिए अगर देखोगे एक्स है 1 रेस टू 1 वाई है 2 रेस टू वाई मतलब 2 सोल्युबिलिटी है 0.2 रेस टू एक्स प्लस वाई। तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 रेस टू 3 तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इनटू 0.2 इनटू 0.2 तो ये एक्चुअली हो जाता है आपका अगर देखोगे, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इनटू 10 रेस टू माइनस 1 रेस टू 3 4 इनटू 2 का क्यूब होता है 8 और 10 रेस टू माइनस 1 का होता है 10 रेस टू माइनस 3 सो यू गेट 4 इंटू 8 एक मिनट दिख रहा है ना ठीक है तो आपको क्या मिलता है भैया 4 8 32 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 यह है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉरी केएसपी। और केएसपी का यूनिट तो रहेगा इसके यूनिट की तरह, अगर आप देखोगे इसको तो कोई यूनिट नहीं, इसको कोई यूनिट नहीं, इसको सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या है मोल पर लीटर और रेस टू जो भी रहेगा x प्लस वाई ये रहेगा इसका केएसपी का यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट वैसे भी फिक्स नहीं रहता, मैंने पहले भी बोला है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट कोई फिक्स नहीं रहता। ठीक है आगे चलते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है केएसपी ऑफ AgCl एंड Al2SO3 आर 2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली सॉल्युबिलिटी ऑफ व्हिच साल्ट इज मोर। दोनों की केएसपी दे रखे आपको, देखिए AgCl और Al2SO4 taken thrice, इसका केएसपी 2 है इसका केएसपी 4 है, सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है हमको सोल्युबिलिटी के बारे में पता करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केएसपी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई सोल्युबिलिटी रेस टू एक्स प्लस वाई है राइट। तो इसको अगर उल्टा करोगे इसको नीचे लेके आओगे तो के एस पी अपॉन एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई इज इक्वल टू एस रेस टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा ठीक है। और अगर देखोगे एस रेस टू एक्स प्लस वाई है इज इक्वल टू के एस पी और एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई है और इसको अगर यहां से उड़ाना है तो आपको करना होगा 1 अपॉन x प्लस y, तो इसको भी आपको करना होगा 1 अपॉन x प्लस y। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू आपका आता है ksp अपॉन x रेस टू x y रेस टू y
ये सब गंदा याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है आप उल्टा भी कर सकते हो। देखो ऐसा करो या फिर डायरेक्टली ऐसा करो, ठीक है। AgCl के लिए यहाँ पे दिया है आपको KSP दिया है और सोल्युबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले AgCl के लिए अगर देखोगे, AgCl के लिए तो सिंपल सी बात है, KF = X → X, ये X है, ये Y है, Y → Y (solubility → X + Y) और KSP दे रखी है आपको कितनी, 2 = ये तो 1 हो गया, सोल्युबिलिटी स्क्वायर हो गया, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर को इधर लेके आओ, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी लिखो तो ये तो 1 हो जाता है, ये तो S → 2 हो गया, तो 2 इधर आने के बाद solubility = √2 आ जाएगा। समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला ही निकालना ऐसी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते। समझ में आया तो बोलो यस, नहीं तो नहीं बोलो, यस और नो बोलो एक बार फटाफट बोलो। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अभी इसका ये भी बहुत सिंपल है, KSP = X → X। X कितना है इसका, ये देखो भूलना नहीं है, ये X है इसका, X है 2, Y है 3, समझ रहे हैं ना ये। तो X → X, Y → Y (solubility → X + Y) solubility क्या दी है आपको, कितनी दी है भैया, solubility is given to be 4, ठीक है। आंसर तो नहीं निकलना है ना इसका, ठीक है चलिए। हाँ बोल रहे म्यूट ऑल का, ठीक है ओके थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है चलिए। तो KSP की वैल्यू इसके लिए 4 दी है, राइट, = 2 → 2 यानी 4, 3 → 3 यानी 9, solubility → 5, तो ये कितना हो जाता है भैया, नहीं ये तो गलत हो गया ना, ये कितना 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए ना, 3³ = 27 है, सो 4 = 108, solubility → 5, इसको नीचे ले लो तो solubility → 5 = क्या आएगा, 4/108, तो सिंपल सी बात है solubility = 4/108, ये 5 है तो इधर जाके 1/5 होता है। आपको आंसर ऐसे ही निकालना है, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही निकाल दो, नो प्रॉब्लम। चलो क्या ये भी समझ में आया, मतलब केएसपी और सोल्युबिलिटी, ये दिया है ये निकालना है, ये दिया है ये निकालना है, बस हमने कुछ नहीं किया, इतना ही किया। तो सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो इसकी तो बहुत कम है, और पहली तो √2 आ रही थी, मतलब 1.4, तो यही ज्यादा है, मतलब सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, जो दूसरा साल्ट था आपका कौन सा था, AgCl, तो उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। चलो ये समझ में आया क्या, ये वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या है, हमने KSP से सोल्युबिलिटी निकालनी है और सोल्युबिलिटी से KSP निकालना है। अब थोड़ा सा सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ ये समझ में आया कि नहीं, राइट। अब क्या दिया है आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgCl2 इज, ये है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट 64, देन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन आयंस, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन निकालना है। अब सबसे पहले ये बात देख लो कि यहाँ पे डायरेक्टली हम कर नहीं सकते, KSP = X → X, Y → Y, solubility → X + Y, इससे सोल्युबिलिटी तो निकलेगी लेकिन इसकी नहीं निकलेगी, वो MgCl2 की निकलेगी। अगर MgCl2 की निकलती है तो फिर ठीक है, MgCl2 की सोल्युबिलिटी, अब इसमें इस फॉर्मूले में डालने के बाद मान लो MgCl2 की सोल्युबिलिटी 4 आती है, तो इससे मैग्नीशियम 1 पैदा होता है और क्लोरीन 2 पैदा होते हैं, तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन में MgCl2 4 घुल गए हैं,
तो मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 4 रहेगा लेकिन क्लोरीन का 8 रहेगा। बोलो ये समझ में आया क्या? बोलो ये समझ में आया क्या? बोलो एक बार, समझ में आया क्या? और ऐसा अगर नहीं करना है तो बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। बस सिंपली ले लो मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट है, ये अंदर घुल गया पानी के अंदर, इसके दो क्लोरीन पैदा कर दिए इसने। तो सिंपल सी बात है, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सोल्युबिलिटी आपको, मान लो कि इसकी सोल्युबिलिटी यस है, ठीक है ना, हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, मतलब ये यस मोल पानी के अंदर घुल गए हैं, तो इसके यस फॉर्म होंगे, इसके टू यस फॉर्म होंगे, ये बोलना नहीं है। समझ में आया क्या? इसके यस फॉर्म होंगे और इसके टू यस फॉर्म हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे हम क्या निकालेंगे, चलिए 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 चलिए, हाँ तो यहां पे हमको पता है KSP is equal to, बेसिक से जाएंगे, ये तो फॉर्मूला आया था, लेकिन किससे आया था, किससे आया था, अरे आया किससे था, बेसिक क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दिस, लेकिन इसको नहीं लेना है क्योंकि बेटा ये सॉलिड है, ये पानी में घुल गए हैं, ये पानी में घुल गए हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg 2 प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन माइनस का स्क्वायर। चलो ये समझ में आया तो बोलो यस, चलो ये समझ में आया तो बोलो यस। हाँ ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक मिनट, चलो समझ में आया राइट। चलो चलो, कि मैं ये सोच रहा था कि एक बायो का चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूं, मतलब अभी तो कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा पीक पर है, तो इसलिए सर के लिए अभी माइक लाना, माइक मंगाना पड़ रहा है, जो लेक्चर्स डाल रहे हो माइक उतना अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, आपको टेंथ क्लास में तो मैंने बायो पढ़ाया था, उन लोगों को पता है जो टेंथ में थे मेरे साथ, तो मैं आपको बायो के लेक्चर्स पढ़ाता हूं। आप बोलो कौन सा चैप्टर है, कोई भी बोलो, कोई भी डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो, उसको मैं पढ़ा देता हूं। मतलब कभी अगर इमरजेंसी में लग जाए तो मेरी आदत होनी चाहिए आपको, आसानी होता है भाई, कोई टेंशन मत लो। ऐसे भी हो सकता है कि आपको क्या करूंगा मैं, ये पढ़ा दूंगा प्लांट किंगडम, हाँ चलता है प्लांट किंगडम भी, मतलब बॉटनी का कोई भी स्टार्टिंग वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपको बॉटनी के बारे में हुआ नहीं ना अभी तक कुछ, तो वो पढ़ा दूंगा मैं आपको, बॉटनी का कोई भी चैप्टर बता दो मुझे बॉटनी का, क्योंकि उसके बारे में आपको उतना ज्यादा पता नहीं है। तो प्लांट किंगडम हम पढ़ा देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कोई प्लांट किंगडम और दूसरा कुछ हो डिफिकल्ट तो वो भी बोलो। एक शुरू करता हूं, आप देख लो, आपको अगर समझ में आता है तो बोलो, नहीं आता तो नहीं भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता तो नहीं बोलना है, अगर समझ में आया तो यस बोलना है। मतलब कभी कभार हो सकता है कि एक दो चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूं, ठीक है, ऐसी इमरजेंसी में। तो चलिए प्लांट किंगडम में प्लान करता हूं, प्लांट किंगडम। तो ओके चलो, KSP is equal to Mg2 plus Cl minus का स्क्वायर, तो ये तो बेसिक से हो गया। तो Mg2 plus का कॉन्सेंट्रेशन पानी के अंदर यस है, और Cl minus का कॉन्सेंट्रेशन 2S है, भूलना नहीं है बेटे, 2S है, और उसका स्क्वायर भी करना है, ये भी भूलना नहीं है, इसको भी मत भूलो। और KSP की वैल्यू हमको दी है इस साल्ट की, KSP of this salt is given to be 64. So ये हो गया 64. तो सिंपल सी बात है, 64 is equal to ये S और S का स्क्वायर मिला के S raised to 3 बन जाएंगे, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 नीचे आएगा, यानी S cube is equal to 64 divided by 4. तो S cube is equal to क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये, कितना हो रहा है, 16. तो यस इज इक्वल टू 16 का क्यूब रूट आएगा बेटे, 16 का क्यूब रूट। अब 16 का क्यूब रूट निकालना, तो इतना किस तरीके से निकालेंगे, यस इज इक्वल टू क्यूब रूट
ऑफ 16, 16 को ऐसे लिख सकते हैं ना, टू 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 टू। चलो समझ में आया बेटे कैसे, तो इतने को बाहर निकालते हैं हम, टू रूट क्यूब रूट ऑफ टू, इस तरीके से सोल्युबिलिटी। तो मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन तो यस है, यानी कि टू क्यूब रूट ऑफ टू, और सीएल माइनस का कितना, यस नहीं है, वो टू यस है, यानी इसको टू से मल्टीप्लाई करो, यानी फोर क्यूब रूट ऑफ टू। चलो बेटे समझ में आया क्या, चलो बोलो फटाफट बोलो एक बार मुझे, समझ में आया क्या, किस तरीके से हम कर रहे हैं, समझ में आया क्या? ओके तो देखिए, पढ़ाने के बारे में बायो का ना एक बात याद रखो, ये जो आपका 11 12th रहता है ना, इसमें एक्सपर्टाइज से ज्यादा मुझे लगता है कि आप पढ़ाओ और आगे वाले को समझ में आए, बस ये इंपॉर्टेंट है। मतलब बस बोलने की आपको ये होनी चाहिए, एक आर्ट होना चाहिए, एक एक लाइन में चलना चाहिए बस, लॉजिकली क्या होता है उसमें। और मैंने 10th क्लास को जेनेटिक्स पढ़ाया था, वो लड़के बोलते हैं कि सर किसी ने 12th में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया, अभी तक वो याद रहता है। आप भी होंगे, आप में से कोई 10th में होगा तो जेनेटिक्स देखो 10th का याद आता है, कुछ नहीं होता उसको, क्या है, बायो तो है वो, तो फिजिक्स की तरह थोड़ी है डिफिकल्ट, देख लेंगे। मतलब ये आपके लिए ही कर रहा हूं मैं, कि कभी कभार अगर इमरजेंसी आए, कोई चैप्टर आपको कहीं से नहीं समझ में आया, तो मैं आप मेरा आपके साथ कैसा है, मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है आपके साथ, मैं आपको कुछ भी पढ़ा सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है। वो फ्रीक्वेंसी मैच होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी मैच होती है। तो चलिए सबसे पहले अभी मैं आपको शेयर करता हूं, उसको लिखना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है, ओके। हाँ चलिए, ये 2 पेजेस आप लिख लो, मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। हाँ मैं टाइम सांगतो तुम्हाला केव्हा घेणार आहे मी बायोचं, ते घाई करू नका आताच। चलिए स्क्रीन शेअर कर रहा हूं, आप तब तक लिख लो। स्टार्ट राइटिंग, पहले ये लिखना है और बाद में आपको इसको लिखना है, राइट। लिखो,
एक मिनट तो चलो किधर गया। राइट, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि केएसपी और केआईपी में क्या डिफरेंस है। जैसे क्यू और के था हमारा रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम आने मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से इक्विलिब्रियम आने तक उसको हम क्यू कहते हैं, और इक्विलिब्रियम जैसे ही आता है तब उसके बाद हम क्यू को ही के बोलने लगते हैं। वैसे ही है के आई पी और के एस पी, ये कुछ अलग नहीं है। इसका मतलब ये क्यू है और ये के है, कुछ भी नहीं। मतलब जैसे ही हम पानी के अंदर किसी साल्ट को डालते हैं, मान लो इसकी सोल्युबिलिटी है 50, मान लो इसका मतलब इस पानी के अंदर 50 मोल साल्ट के बैठ सकते हैं। तो NaCl मान लो मैंने डाला अंदर, 10 मोल डाले, NaCl के 10 डाले तो Na प्लस और Cl माइनस ऐसा वो टूटेगा, तो Na प्लस के 10 हो जाएंगे और Cl माइनस के 10 मोल हो जाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एट एनी टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन उसे कहते हैं KIP। तो ये आपका KIP, जैसे 10 डालोगे तो 100 हो जाएगा, और आपने ऊपर से 10 डाले मतलब टोटल 20 मोल NaCl के डाले, तो Na प्लस 20 हो जाएगा, Cl माइनस 20, और आपका KIP हो जाएगा 400। वैसे ही 30, 40 और 50, जब फाइनली आप 50 मोल इसके डालोगे टोटल, तब Na प्लस 50 और ये 50 हो जाएगा, और 2500 KIP हो जाएगा। अब इसके आगे मतलब 50 के बाद अगर आप 10 मोल डालोगे तो ये 10 मोल पानी के अंदर डिसॉल्व होंगे क्या, बोलो एक बार मुझे, यस और नो, ये आगे के 10 मोल पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे या नहीं होंगे? हाँ नहीं होंगे बेटा। यस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी 50 बोली है मैंने, राइट, सोल्युबिलिटी 50 बोली है, इसका मतलब है कि उसके अंदर 50 मोल ही साल्ट के डिसॉल्व हो सकते हैं। 50 के बाद 10 अगर मैंने डाले तो वो 10 के 10 यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। पानी के अंदर NaCl के 50 मोल ही रहेंगे, लेकिन पानी के अंदर NaCl नहीं रहता, वो टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। मतलब अब इसके बाद कितने भी मोल अंदर डालो आप, पानी के अंदर Na प्लस 50 और Cl माइनस 50 ही रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन शुरू से अगर देखोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ते गया है, 100, 400, 2000, 500, लेकिन इसके आगे कितना भी डालो आप, मतलब नीचे 10 जाएंगे और 10 डाले तो नीचे और 10 आके बैठेंगे, लेकिन अंदर 50 ही रहेंगे, और अंदर Na प्लस और Cl माइनस हमेशा 50-50 रहेगा, और ये प्रोडक्ट हमेशा 2500 ही रहेगा। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते गया और सोल्युबिलिटी आने पर उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई, जैसे कि मतलब सॉल्यूशन सैचुरेट होने के बाद उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आती है और उसके बाद वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जैसे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्यू की वैल्यू बढ़ती जाती है, और इक्विलिब्रियम आने के बाद उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, और तभी हम उस क्यू को के कहते हैं। जैसे वो रिवर्सिबल रिएक्शन है वैसे ही ये है, धीरे धीरे हम मोल्स डालते गए साल्ट के और इन दोनों का प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे कि हम के आई पी कहते हैं या फिर आयोनिक प्रोडक्ट कहते हैं, और वो बढ़ता गया तब तक बढ़ता गया जब तक ये सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हुआ, और जब ये सॉल्यूशन सैचुरेट हुआ तब इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई और वो बढ़ नहीं रही थी। ये सैचुरेट होता है मतलब उसके बाद डाला हुआ नमक नीचे जाके क्रिस्टलाइज होता है और इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। सैचुरेट होने के बाद ही इक्विलिब्रियम आता है, उससे पहले नहीं आता, यानी सैचुरेट होने का मतलब ही होता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम आना, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम आया है और उसके बाद इस केआईपी को ही कहा जाता है केएसपी, मतलब केआईपी इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम।
but when equilibrium is achieved, equilibrium achieved or when solution becomes saturated, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. Equilibrium is achieved or solution is saturated, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. Saturate हुआ solution या फिर equilibrium आया इन दोनों के बीच. और equilibrium आएगा कब? जब ये नीचे crystallize होगा तभी ना, उससे पहले थोड़ी आएगा. ये नीचे crystallize कब होगा? जब ये solution saturate हो जाता है. Saturate होने के बाद ये नीचे crystallize होगा. यानी equilibrium आने का मतलब ही saturate होना है. Saturate हुआ मतलब equilibrium आया, यही समझना यहाँ पे. तो इसके और इसके बीच equilibrium आना यानी इसको saturate होना. और ये कब होता है? जब KIP की वैल्यू कांस्टेंट होती है और उसे हम बोलते हैं KST. मींस इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है? KST इज इक्वल टू KIP. KIP इज इक्वल टू KST, इसका ही मतलब है इक्विलिब्रियम आना यानी सैचुरेट होना. और सैचुरेट होने के पहले जो KIP की वैल्यू है वो KST से कम रहती है. इसलिए हम लिखते हैं कि व्हेन KIP इज लेस देन KST then we call that solution as unsaturated. क्या कहते हैं उसको हम? Unsaturated. तो आपके पास conditions क्या क्या आती है देखो. When the ionic product is less than KSP, then solution was unsaturated. मतलब अभी उसमें salt और बैठ सकता है. When KIP is equal to KSP, then that solution is called as saturated. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जबरदस्ती सॉल्यूशन के अंदर 50 से भी ज्यादा मोल साल्ट के बिठाए जा सकते हैं. मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी से भी ज्यादा मोल बिठाए जा सकते हैं. वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. जबरदस्ती बिठाए जा सकते हैं यानी KIP इज इक्वल टू सॉरी इज ग्रेटर देन KSP अगर होता है तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड. ऐसा बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड. तो क्या ये आपको तीनों फंडे समझ में आ गए? अनसैचुरेटेड कब होता है, सैचुरेटेड कब होता है और सुपर सैचुरेटेड कब होता है, बोलो एक बार. तीनों के तीनों चीजों को आपको समझ में आई क्या? ये तीनों के तीनों चीजें. चलिए अब उसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं. तो अब ये सुपर सैचुरेटेड इसका क्या मतलब है, ये क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों? मान लो क्या करो, एक सॉल्यूशन है, इसमें कुछ तो भी ए प्लस और बी माइनस है और इसको हमें प्रेसिपिटेट करना है नीचे. अभी तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व फॉर्म में है इसमें और हमको इसे प्रेसिपिटेट करना है, इसको प्रेसिपिटेट करना है. अभी तो ये डिसॉल्व फॉर्म में, मान लो मैं सब कुछ बता रहा हूं और इसकी KSP मान लो 100 है. KSP यानी इक्विलिब्रियम आने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना होता है 100. और अभी तो ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है यानी अनसैचुरेटेड है तो उसको हम KIP बोलते हैं. तो अभी इन आयंस का प्रोडक्ट यानी आयोनिक प्रोडक्ट, आयंस का प्रोडक्ट यानी आयोनिक प्रोडक्ट अभी है इनका 50. तो अब तो ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हुआ क्योंकि KIP इज लेस देन KSP. अब KIP is less than KSP ऐसा है तो ये सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है और हमको इसे क्रिस्टलाइज करना है, इन आयंस को नीचे क्रिस्टलाइज करना है. मान लो समंदर के अंदर साल्ट है ये और इस साल्ट को हमें नीचे क्रिस्टलाइज करना है, फिर इसको बाहर निकालना है और उसको खाना है ना. ठीक है ना, समझ में आया ना? क्रिस्टलाइज क्यों करते हैं हम किसी चीजों को? साबुन को भी ऐसे बनाते, साबुन भी एक साल्ट ही है. इसके अंदर अगर साबुन घुला हुआ है तो उस साबुन को यहाँ नीचे क्रिस्टलाइज करना होगा, प्रेसिपिटेट करना होगा. क्रिस्टलाइज करने का ही मतलब होता है प्रेसिपिटेट करना, सेम थिंग, क्रिस्टलाइज प्रेसिपिटेट. तो इसको प्रेसिपिटेट करने के बाद ही इस साबुन को हम सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं, फिर उसके हम सोप केक बनाएंगे. ठीक है, सोप केक जो हमारे घर में साबुन आता है ना, वो लिक्विड में घुला हुआ तो नहीं रहता. जब लेकिन साबुन जब पैदा होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है ना इंडस्ट्री में, प्रोड्यूस करने के वक्त सबसे पहले वो पानी में घुला हुआ होता है, फिर उसको प्रेसिपिटेट करके नीचे लाया जाता है और फिर उसको बाहर निकाल के सॉलिड फॉर्म में उसकी केक्स बनाते. केक्स मतलब क्या? वड़ी. उसके केक्स बनाते और फिर बेचते वहां. तो इसका मतलब ये एक साल्ट है, मान लो साबुन है, और इसको प्रेसिपिटेट करना. लेकिन अभी तो इनके आयन का प्रोडक्ट 50 है,
मतलब ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है तो प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं, सैचुरेट करना पड़ेगा पहले उसको, तभी तो क्रिस्टलाइजेशन होगा यानी प्रेसिपिटेशन होगा। तो इसको सैचुरेट करने के लिए हमको इसके आयनिक प्रोडक्ट को केएसपी की तरह करना पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ भी करके हमें इसको सैचुरेट करना। तो मैं क्या करूंगा, इसमें बी माइनस डालूंगा यानी कॉमन आयन डालूंगा कहीं से, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं यहां से बी माइनस डालूंगा वैसे वैसे इनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ते जाएगा, और जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया। अब उसके आगे अगर मैंने बी माइनस डाला तो ये ए बी यहां सैचुरेट सॉरी प्रेसिपिटेट होकर नीचे जमा हो जाएगा। तो इसका मतलब है आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम होने पर हम किसी भी साल्ट को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमन आयन इफेक्ट, लेकिन उसके लिए हमें मालूम क्या होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जब हमें पता है कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 100 है तो मैं कुछ भी करके इनका आयनिक प्रोडक्ट 100 बना दूंगा कि जिसके आगे ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा, और उसके अगर मैं ऊपर से बी माइनस डालूंगा, मुझे ये भी डालने की जरूरत नहीं, बी माइनस कहीं से भी लाओ सस्ता होता है ये, अगर लेकिन ये भी महंगा हो सकता है लेकिन बी माइनस सस्ता हो सकता है। जैसे कि मान लो सोप है, सोप बहुत बड़ा होता है मॉलिक्यूल, आपको टेंथ में था ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मतलब अंदर ए प्लस का मतलब है आर सी ओ माइनस और साथ में है एन ए प्लस। अब हमको इसे प्रेसिपिटेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सोप लाके डालने की जरूरत नहीं, सिंपली ऊपर से मैं एन ए प्लस डालूंगा, ये कहां से आ सकता है, साल्ट से, मतलब एनएसीएल डालूंगा यानी एन ए प्लस डाला मैंने यानी कॉमन आयन डाला, तो जैसे ही कॉमन आयन डाला तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो बढ़ेगा, मतलब मुझे नमक तो कहीं पे भी मिलता है बहुत सस्ता होता है लेकिन सोप नहीं मिलता ना, सोप महंगा होता है। तो एन ए प्लस डाला, एन ए प्लस डाल के इसको प्रेसिपिटेट किया, नीचे आके कौन ये दोनों प्रेसिपिटेट होते हैं आर सी ओ ओ एन ए, और यही है आपका सोप, और इस सोप को बाहर निकालो, मतलब नमक की हेल्प से हमने सोप को प्रेसिपिटेट किया। और ये क्यों कर पाए हम, क्योंकि हमें सोप का केएसपी मालूम था, हमने उसके आयनिक प्रोडक्ट को केएसपी से ज्यादा बढ़ाया, मतलब केएसपी तक लेके गए और उसके बाद ये प्रेसिपिटेट होता गया, क्योंकि जितना ऊपर से आयन एन ए प्लस डालोगे उतना ये नीचे आएगा, क्योंकि इसको ना प्रोडक्ट 100 के आगे जाने देना ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम ये प्रेसिपिटेशन करते हैं, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ केएसपी। समझ में आया क्या, राइट। तो ये बोलना है मुझे कि जब भी आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से आगे जाता है तब साल्ट का प्रेसिपिटेशन होना शुरू होता है, पीपीटी होना शुरू हो जाता है। समझ में आया, बोलो एक बार मुझे, अरे समझ में आया तो बोलो यस, अदरवाइज नो भी बोल दो, राइट। तो चलिए इसको तो लिखना ठीक है, अभी आगे का कंसेप्ट होगा भी या नहीं, नहीं होगा, ये तो नहीं हो पाएगा बेटे, आगे का कंसेप्ट शायद नहीं हो पाएगा। फिजिकल क्लास का टेंशन मत लो, अभी पता नहीं है, वो कोरोना होने दो पहले, बाद में फिजिकल क्लास करना बेटे, अभी तो उसको अभी तो और एक महीना बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो मैं जैसे बोल रहा था टेंशन मत लो, वो तो बढ़ने ही वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए तो अब आगे क्या करेंगे, कल क्लास स्टार्ट, बाय बाय, गुड बाय।